मैंने भी शुरू में कोशिश की थी, तो मैंने ऐसे ऐसे खौफनाक फालसे के जूस बनाए और पिए, कुछ खट्टा बहुत है, कुछ कड़वा हो गया, किसी में बहुत ज्यादा फालसे डल गए। सो नाउ आई विल टेल यू अ वेरी गुड रेसिपी ऑफ फालसा जूस। और एक और जरूरी बात, अगर आपकी अपनी मशीन है, आपके अपने घर में हके लाल के पैसों की है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको बंद कर दिया करें। अगर किसी और की है तो जो मर्जी करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू राबीज़ वाजवान। अच्छा, गर्मियों में ना हमें बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं स्किन के, और सबसे ज्यादा जो मेन इशू होता है वो होता है कि हमारे ना स्किन पे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब पिंपल्स क्यों निकलते हैं? क्योंकि पसीना आता है अंदर से, जो हमारे जो गंध होता है वो पसीने से निकलता है और वो पिंपल बन जाता है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं कि वो पिंपल के ऊपर ना कोई बेटनोवेट और इस तरह के आइनमेंट लगाना शुरू हो जाते हैं। आप कॉमन सेंस देखें कि ऑलरेडी अंदर से एक चीज निकल रही है जो कि गंदी है, अब उसको आप और ब्लॉक कर रहे हो तो वो पिंपल के अंदर पस भी बन जाती है। सो आई डोंट थिंक सो दैट सच आइनमेंट्स आर योर सॉल्यूशन टू द पिंपल्स। याद रखें कि आपके साथ जो भी होता है, आपकी स्किन के साथ, आपकी सेहत के साथ, बंदा मोटा होता है, पतला होता है, दाने निकलते हैं, स्किन अच्छी होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर स्टमक। आप खाते क्या है? तो आई बिलीव कि आपको गर्मियों के अंदर अपनी खुराक को बहुत देखना चाहिए। अच्छा, मैं बचपन में से ही कहा करती थी, मैं कहती थी कि देखो कितनी अजीब बात है कि जो फल या जो वेजिटेबल जो है वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है उसमें क्वालिटीज कम होती है। आलू पसंद है, अब आलू मोटा करता है। आम पसंद है, आम से दाने भी निकलते हैं, आम से मोटे भी हो जाते हैं। अब चेरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन उनके फायदे बड़े। सो बट अल्लाह ताला ने बैलेंस रखना था, और अल्लाह की हर चीज जो है वो हमारे लिए नेमत है। वेल, अब इसका हल क्या? इसका हल ये है कि अल्लाह ने अगर आम दिए ना आपको गर्मियों के अंदर, तो अल्लाह ने एक और मैजिक फ्रूट भी दिया है, फालसा। फालसा जो है वो एक ऐसा फल है कि जिसका अगर आप बना कर पानी में पिए तो मैं आपको बता रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ कि आपके चेहरे के ऊपर कोई स्किन की कोई मसला नहीं होगा, आपका चेहरा फ्रेश भी रहेगा और दाने भी नहीं निकलेंगे, एंड यू विल फील बेटर एंड फ्रेशर। तो जो आप कभी लोगों के घरों में जाते हैं ना और उनको कहते हैं हाय बड़ी से गर्मी लग रही है, वो आगे से जी कोका कोला पेप्सी ले आता है, दिस इज रॉन्ग। वो जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं वो आपके स्टमक में गर्मी ही करती हैं। स्टमक में गर्मी का इलाज जो है वो कच्ची लस्सी है, आमों के बाद कच्ची लस्सी पी लिया करें, और वैसे रेगुलर जो है वो आप ये जरूर फालसे का जो जूस है वो जरूर पिया करें। अच्छा, मैंने अपनी जब दोस्त को ये सब कहा, मैंने कहा तुम फालसे का जूस पियो, कहती है राबी ऐसे नहीं, मुझे बनाना भी सिखाओ। अच्छा, ये जो जूस बनाना है बड़ा टेक्निकल काम है, एवरीबडी कांट मेक इट। और जब मैंने भी शुरू में कोशिश की थी, तो मैंने ऐसे ऐसे खौफनाक फालसे के जूस बनाए और पिए, कुछ खट्टा बहुत है, कुछ कड़वा हो गया, किसी में बहुत ज्यादा फालसे डल गए। सो नाउ आई विल टेल यू अ वेरी गुड रेसिपी ऑफ फालसा जूस, जो कि अच्छी भी है, ठंडी भी है और बहुत ज्यादा टेस्टी है। सो व्हाट डू वी रिक्वायर फॉर दैट? तकरीबन आधा किलो फालसे, काला नमक एंड ऑफकोर्स शुगर, चीनी। अच्छा, ये एक बड़ी स्ट्रेनर है, ये कुछ घरों में होती है कुछ घरों में नहीं होती, मेरे घर में है। सो एंड ऑफ कोर्स द ब्लेंडर। अब हम इसके अंदर ये फालसे जो हैं ये ऐड कर देंगे। अच्छा, फालसों का भी एक होता है कि आजकल जो फालसे मिलते हैं ना गर्मी की वजह से खराब भी हो जाते हैं, तो उसका तरीका ये है कि जब भी फालसे मिले उसको पानी में आप वो कर दें, जो फालसे ऊपर आ जाएंगे वो खराब होंगे और जो नीचे रहेंगे वो ठीक होंगे। सो ये अब हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, पानी जो आपने इसके अंदर यूज करना है वो आइस कोल्ड पानी यूज करना। मैं तो कहती हूँ क्रश बर्फ भी, लेकिन नहीं, तो हम फ्रिज से जो है वो आइस कोल्ड पानी निकालेंगे। और सबसे ठंडी बॉटल जो है ना वो हमेशा सबसे पीछे होती है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये बता रही हूँ, अपने फ्रिज में भी दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं मेरी डाइट ये है। ये मैंगो मिल्क शेक है और ये मेरे फेवरेट डंकिन डोनट्स हैं। और फ्रूट्स अगर आप मेरे फ्रिज में देखें, ये लीचियां पड़ी हैं। फ्रूट तो हर किस्म का आपको मेरे फ्रिज में मिलेगा। ये है जी खुबानियां, और ये देखें, और नीचे वाले के अंदर ऑफ कोर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैंगोस। तो इसीलिए नहीं टार्जन कहते हैं मुझे मेरे घर वाले, मैं बहुत फ्रूट्स खाती हूँ। सो हियर वी गो, अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब इतने फालसे के अंदर आपने ये पूरा पानी से भर देना, फिर इसमें चीनी। अगर हम चीनी नहीं डालेंगे तो फालसा इतना खट्टा है कि आपका गला खराब हो जाएगा। ये जो जग है इस तरह का, इसका एक ही साइज होता है, इसके लिए हम 3 चम्मच डालेंगे। और खाली चीनी नहीं डालनी, काला नमक जो है वो टेस्टी भी होता है और वो हजम भी अच्छा कर देता है।
तो ऑलमोस्ट इतना आधा चम्मच समझ लें कि आपने काला नमक डाल दिया। अच्छा अगेन ये जो इसमें ये जो चीज़ें चीनी और ये रह गया हम इसको वॉश आउट कर लेंगे और इसमें कोई क्रीपी या क्रिंजी बात नहीं होती। दिस इज रियली नाइस। आपको अपनी हर चीज़ को सेफ रखना चाहिए। ओके सो नाउ वी कम हियर। हम अब इसको ब्लेंड करेंगे एंड हियर वी गो। अच्छा इसमें एक जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने ना इसको बहुत ज्यादा ब्लेंड करना है। फालसे को आपने इतना ज्यादा ब्लेंड करना है कि वो बिल्कुल जो है वो उसके साथ मिक्स एंड मैच हो जाए। और एक और जरूरी बात, अगर आपकी अपनी मशीन है, आपके अपने घर में हाथे लाल के पैसों की है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको बंद कर दिया करें। अगर किसी और की है तो जो मर्जी करे, वैसे दूसरों की चीजों का भी ख्याल रखें। अगर आप इसको मुसलसल चलाएंगे तो इसकी मोटर जलने का खतरा है। अभी तक आपको इसके पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से वो ब्लेंड नहीं हुए। ये कम से कम आपको आई थिंक 5 मिनट्स तक तो उसको करना चाहिए। सो फाइनली वी आर डन और हमने इसको कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो सबसे जरूरी बात है, आपने नोट किया होगा जब हम कुछ लोगों के घर में फालसा का जूस पीते हैं ना, तो मुंह में पता नहीं क्या क्या आ रहा होता है, वो दांतों पे भी कभी कभार इसके बीच फंस जाते हैं। सो देयर कम्स अ स्ट्रेनर। इस तरह की स्ट्रेनर लेनी है और उसके अंदर से अब हमने फालसे का जूस इस तरह से गुजारना है। अच्छा इसको थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा कि वो उसके अंदर हो। इन द मीनवाइल मैं आपको बताऊंगी, ये जो मेरा ग्लास है इसमें मैं भरने लगी हूँ आइस। ये देखें ना इसके ऊपर क्या रह गया, ये देखें, इट्स लाइक अ डिजर्ट। ओके अब ये देखें कि ये जूस सारा निकल गया है एंड दिस इज व्हाट इट इज लेफ्ट। अब ये देखें ये बंद हो गया था और उसके बाद हमने जब इसको प्रेस करना शुरू किया है तो उसमें से काफी जूस निकल रहा है। सो प्लीज जाया ना किया करें चीजें। बरकत जो है वो किफायत शुरी है। अब मैं निकालूंगी बर्फ। अब मैं इसको भरूंगी अपने ग्लास में। अब मैं इसमें डालूंगी जूस एंड यू कैन सी द बेस्ट फालसा ड्रिंक इज रेडी फॉर मी इन अ ग्लास। जो कि बड़ी देर तक जो है इस ग्लास के अंदर बर्फ नहीं पिघलती, तो मेरा पूरा दिन जो है वो ठंडा और कूल गुजरेगा। मेरी स्किन फ्रेश रहेगी, मैं खुद फ्रेश रहूंगी, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। सो प्लीज ट्राई मेकिंग फालसा जूस एट होम एंड एंजॉय योरसेल्फ। जज़ाकअल्लाह।